नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी शोरान। सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस साइड में होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि CSIR नेट JRF की। यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज, वहां पर सहायक प्रोफेसर पोस्ट पर अपॉइंट होना हर किसी के लिए गर्व की बात है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है और इसी के लिए नेट JRF क्वालिफाई करना पड़ता है। यह एग्जाम उन उम्मीदवारों के लिए बेहद खास होता है जो यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग जॉब से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में भी नेट से जुड़ा या फिर JRF से जुड़ा कोई सवाल है, कोई परेशानी आपको है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर हम हमारा लगातार फ्लैश कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर पूनम शर्मा। बहुत स्वागत है मैम आपका स्टूडियो में। पूनम जी से बात आप कर सकते हैं, सीधे हमें फोन कर सकते हैं, लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और आसान कर दें आपके लिए, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। नेट या JRF की परीक्षा वैसे तो सभी विषयों के लिए आयोजित की जाती है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट के लिए इसे वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR UGC के साथ मिलकर आयोजित करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट्स नेट का एग्जाम दे सकते हैं। टेस्ट क्वालिफाई करना यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग में आपके रास्ते खोल देता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स PhD करते हैं, उनकी शैक्षिक और आर्थिक जरूरत को पूरी करने के लिए UGC जूनियर रिसर्च फेलोशिप देता है, लेकिन ये नेट की परीक्षा को टॉप करने वालों को ही मिलती है। तो इस अहम टेस्ट के लिए रणनीति बनाकर पढ़िए तो आसानी से एग्जाम में कामयाबी हासिल की जा सकती है। नेट के एग्जाम में 3 पेपर्स होते हैं जो एक ही दिन में आयोजित किए जाते हैं। तीनों पेपर के सवाल मल्टी च्वाइस वाले होते हैं। पहला पेपर साइंस का, जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। इसका मकसद स्टूडेंट की शिक्षण और रिसर्च क्षमता को जानना होता है, जबकि बाकी दोनों पेपर चुने हुए सब्जेक्ट से आते हैं। नेट JRF एग्जाम साल में 2 बार जून और दिसंबर में होता है। जून में होने वाली परीक्षा के नतीजे अक्टूबर और दिसंबर में होने वाली परीक्षा के नतीजे अप्रैल में घोषित किए जाते हैं। तो नंबर जो है वो हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। अगर आप नेट JRF से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर पूनम हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे आप सीधे बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं, डॉक्टर पूनम आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या ऐसी परेशानियां जो सबसे ज्यादा फेस करते हैं अगर कोई नेट JRF के लिए जा रहा है। देखिए, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल लेवल तक चूंकि एक अलग सिस्टम रहता है। लेकिन अगर आप कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं तो एक तरीके से ये मैंडेटरी है, और तैयारी कैसे करें, कहां परेशानियां रह जाती हैं, ये सब थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, JRF नेट क्वालिफाई करने के लिए MSc क्वालिफिकेशन असेंशियल है। और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स कॉलेजेस में डिग्री तो उन्हें मिल जाती है, बट MSc लेवल की उन्हें नॉलेज नहीं मिल पाती। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी समस्या यह है कि भले क्वालिफिकेशन इस एग्जाम की MSc है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल MSc से कहीं ऊपर और PhD से नीचे रहता है। ओके। और एक अन्य समस्या जो लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट पर्टिकुलरली उसमें आती है, वह यह है कि बच्चे ने बायोसाइंसेस की किसी एक फील्ड में MSc की होती है, जैसे बॉटनी MSc या जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन सिलेबस सबका कॉमन है और बच्चे को वो सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी आंसर करने पड़ते हैं जो उसने अपने MSc लेवल में नहीं पढ़े। ओके। तो वो तो बड़ी समस्या आती होगी कि आपने एक सब्जेक्ट से MSc किया, यानी मास्टर्स तो आपने उसमें किया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं एक तरह से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 साल तक तो आपने उनको टच भी नहीं किया। तो आपको साइमल्टेनियसली लगातार उनको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए अगर आपने फोकस अपना क्लियर कर लिया कि आपको नेट के लिए जाना है। बिल्कुल। अगर कोई भी स्टूडेंट MSc करता है तो उससे एक्सपेक्टेड है कि वो कम से कम JRF नेट करे। MSc करने के बाद बच्चे के पास स्पेसिफिक ऑप्शंस हो जाते हैं, या तो वह कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचिंग में जाए या फिर रिसर्च करे, और दोनों ही करने के लिए उसे JRF नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कई बार MSc तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उनका IQ उस लेवल का नहीं होता है, उससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़कर पढ़ना होता है। नंबर का जो क्राइटेरिया है वो 55% अगर आप मार्क्स लेते हैं तो आप जा सकते हैं। कितने अटेम्प्ट मिल जाते हैं आपको? देखिए, JRF में अपियर होने के लिए 28 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है, जबकि नेट के लिए कोई एज बार नहीं है। ओके। ये एज रिलैक्सेशन OBCs, ST, SC प्लस वेमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स है।
जेआरएफ में इनिशियली 2 इयर्स के लिए उन्हें 25,000 प्लस 30% एचआरए मिलता है, और जो बढ़कर फिर आगे 3 इयर्स एसआरएफ में फिर फेलोशिप बढ़ जाती है। ओके अलावा इसके, क्योंकि कई बार ये मानकर चला जाता है कि अब कितना प्रैक्टिस हमको करना होगा सब्जेक्ट के अलावा, से आप एमएससी अगर कर रहे हैं और उसमें भी एक किया तो एमएससी के सारे सब्जेक्ट आपको करने होंगे, लेकिन क्या सिर्फ उस लेवल की ही एजुकेशन अगर आप करते हैं, उन्हीं 2 साल के बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं तो वो आपके लिए एनफ है, या फिर आपको और भी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बियॉन्ड जाना चाहिए, लेकिन जो लोअर लेवल है क्या वो भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से सीएसआईआर ने जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं यानी बीएससी कर रहे हैं उन्हें भी परमिट कर दिया है कि आप इस एग्जाम में बैठिए। ओके। कारण यह है क्योंकि एमएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चा एमएससी कर ले और उसके बाद इस एग्जाम को दे तो निकालना मुश्किल है, तो इसीलिए साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। बच्चा जब इस एग्जाम में बैठता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, पेपर क्वेश्चंस का लेवल टफ है, तो इसलिए जब तक बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है और वो एमएससी में एंटर करता है तो उसे एक आइडिया हो जाता है कि किस लेवल का पेपर है। दूसरी बात यह है कि भले आप इस एग्जाम को ग्रेजुएशन करते ही क्लियर कर लें, लेकिन फेलोशिप आपकी रिलीज भी नहीं होगी अंटिल अनलेस आप एमएससी कंप्लीट करें, और मुश्किल भी है बीएससी के बच्चे के लिए। लेकिन एक प्लस पॉइंट बीएससी के बच्चे के लिए है, वो यह है क्योंकि बीएससी में ये सभी सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ता है, जबकि एमएससी वो फिर एक सब्जेक्ट पे आके स्पेसिफिक हो जाता है। तो इसीलिए अगर वो बीएससी में रहते रहते ही तैयारी करेगा सिलेबस को स्प्लिट करके, तो उस केस में उसकी बीएससी की भी अपनी परसेंटेज इंक्रीज होगी, प्लस उसके पास समय का कोई पाबंदी नहीं है तो बहुत अच्छे तरीके से वो इस एग्जाम प्रेशर नहीं होगा उसके ऊपर। लेकिन एक चीज और, थोड़ा सिलेबस को ही मैं और क्लैरिफाई करवाना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि ये जो सिलेबस है जो मल्टी च्वाइस है उसमें तो ठीक है, क्या सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टी च्वाइस ही रहते हैं या थ्योरेटिकल भी इसमें कोई पैटर्न रहता है? देखिए नहीं, पहले था सीएसआईआर का पेपर 1 पेपर 2 जिसमें पेपर 2 सब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक पेपर आता है 3 घंटे का, उसमें पार्ट A पार्ट B और पार्ट C होते हैं। पार्ट A में 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से कोई भी 15 उसे करने हैं, चॉइस बहुत रहती है। पार्ट A होता है जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एनालिटिकल स्किल्स, उसकी टेस्ट की जाती कैंडिडेट की। जो पार्ट B और पार्ट C है वो अपने कोर सब्जेक्ट के होते हैं, तो उसमें जो पार्ट B है उसमें रिलेटिवली क्वेश्चन सिंपल होते हैं, एनी 35 आपको करने हैं आउट ऑफ 50, जबकि पार्ट C में तो बहुत ज्यादा चॉइस है, आउट ऑफ 75 आपको केवल 25 क्वेश्चंस करने हैं। पार्ट C टफेस्ट है। फिर भी हम जो एक रेशो देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं कि ऑब्वियस है वो चाहते हैं, टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, उसमें जो तमाम उसके पॉजिटिव साइड्स हैं उनको देखते हुए जाते हैं, कुछ लोगों के लिए पैशन होता है पढ़ाना वो लोग भी जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके सक्सेस रेशो क्या है? देखिए, इतने सालों से हम बहुत कैंडिडेट्स देख रहे हैं और बहुत बच्चे एग्जाम्स निकालते भी हैं। बहुत इंटेलिजेंट नहीं होना है इसके लिए बच्चे को हार्ड वर्कर होना है। एवरेज स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को निकालते हैं, लेकिन एक रेगुलरिटी उसे मेंटेन करनी पड़ेगी, मिनिमम 6 आवर्स उसको पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी की 11th और 12th स्टैंडर्ड की बुक्स को बहुत थॉरोली उनके कंसेप्ट समझते हुए उसे पढ़ना पड़ेगा। बच्चे ये ना सोचें कि एनसीईआरटी की बुक तो केवल 11th 12th स्टैंडर्ड की है, ये मेरे किस काम की है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी की बुक्स की अगर आप डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर्स को देखेंगे वो देश के वेल नोटेड एकेडमिशियंस होते हैं, बिल्कुल, तो ये बुक्स उनके द्वारा तैयार होती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है तो उसका डेटा ऑथेंटिक है। मार्केट में आपको बहुत सारे पब्लिशर्स की बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने की बात आती है तो आपने ध्यान दिया होगा सभी लोग एनसीईआरटी बुक्स को ही प्रिस्क्राइब, बिल्कुल, हम जितने भी शोज करते हैं सक्सेस मंत्रा में, जिस भी परीक्षा की तैयारी के लिए करें, 10th 11th 12th, खासतौर से इन 3 क्लासों का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो जो अगर स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, हालांकि स्कूल टाइम है बट स्टिल अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो थोड़ा बच्चों को गाइड करें कि ये जो पढ़ाई है ये सिर्फ बोर्ड में आपको स्कोर करने के लिए नहीं है, आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठेंगे ये पढ़ाई वहां पर भी काम आएगी। तो बुक्स को जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थॉरोली पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ नंबर हासिल करने के लिए नहीं, ज्ञान बढ़ाएं अपना, अच्छे से उनको पढ़ें तो वो काम
काम आएगा आगे। नंबर हम अपने दर्शकों को बता दें 01204990050, ये हमारा नंबर है। अगर कोई भी सवाल आपका नेट जेआरएफ से जुड़ा है तो आप इस नंबर पर फोन करके हमसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर पूनम शर्मा आपके सवालों का जवाब देंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज और जो मैं जानना चाहूंगी वो ये कि कई बार ये लगता है कि शायद बहुत ज्यादा पढ़ना होता होगा नेट क्लियर करने के लिए, वो ज्यादा पढ़ना, स्मार्ट पढ़ना, इन सब के बीच भी कई बार जो स्टूडेंट है वो डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाता है, क्या सजेस्ट करेंगे आप उनको? देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। आपको एक्सटेंसिवली मिनिमम 6 मंथ्स की तैयारी की जरूरत है। ओके, और ऐसा नहीं है कि अगर आज आपने 4 घंटे पढ़ लिया और आप सोचें कि अब कल नहीं पढ़ता हूं, परसों 8 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो वो नहीं चलेगा। डेली आपको पढ़ना है, जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको लिखना है। एक और चीज, इस एग्जाम के लिए सिलेबस बहुत वास्ट है, खासतौर से लाइफ साइंसेस की मैं बात कर रही हूं, तो उसमें बच्चे को पैनिक नहीं होना है। पूरा का पूरा जो 13 यूनिट्स दी हुई है सब कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चॉइस बहुत बहुत ज्यादा दी है। सीएसआईआर भी इस बात को जानता है कि बच्चे ने एक ही फील्ड में एमएससी की है, और चूंकि सीएसआईआर के लिए पॉसिबल नहीं है सभी फील्ड में अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराना, फिजिकल साइंसेज के लिए वो फिजिक्स के बच्चों के लिए कंडक्ट कराते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए केमिकल साइंसेज, मैथ्स के लिए मैथमेटिकल साइंस, लेकिन बायो साइंसेज की सभी स्ट्रीम्स की एक कॉमन कैटेगरी, कॉमन टॉपिक है लाइफ साइंसेज, इसमें आता है उनका एग्जाम। ठीक, तो है, चॉइस बहुत रहती है। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, मोहम्मद उमर हैं दिल्ली से, स्वागत है मोहम्मद उमर जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। जी मैडम, मैं फिजिक्स में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैडम, मैं जानना चाह रहा था कि मतलब आखिर टाइम में कैसे तैयारी कर सकते हैं, कुछ टिप्स आपसे जानना चाह रहा था। मैडम आपके साथ बैठी है, तो मैं जानना चाह रहा था कि कुछ आप इसमें टिप्स बताएं कि आखिर में हम नोट्स बना के करें या पूरी पूरी एनसीईआरटी दोबारा फिर पढ़ें, किस तरह से करें। देखिए, ऐसा है, एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही लीजिए, वो तो आपको पढ़नी ही है, और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, एटलीस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखिए और उनको एक टाइम फ्रेम में 3 आवर्स में ही उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर आप देखिए उसमें से कितने क्वेश्चंस आपने नेगेटिव अटेम्प्ट किए हैं, तो विद प्रैक्टिस आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपने जो नेगेटिव अटेम्प्ट किए हैं वो आप कम करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अच्छी खासी संख्या में सही क्वेश्चंस कर कर आता है, बट चूंकि नेगेटिव गलत गलत भी कर आता है, उस वजह से वो मेरिट से बाहर हो जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। एक टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा मैं जानना चाहूंगी, आपने कहा कि मल्टीपल चॉइस है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बावजूद उसके भी अगर एक थोड़ा सा डर रहता है कि बहुत डिफिकल्ट है नेट क्लियर करना, तो इसका रीजन शायद जो सक्सेस रेशो है उससे पड़ता होगा, लेकिन कहां ज्यादा गलतियां करते हैं? बच्चों को शायद लगता है कि 75 अगर क्वेश्चंस हैं तो हम सब अटेम्प्ट कर दें, दो दे आर नोइंग द फैक्ट कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं क्या? तो ये सब जो अगर उनको समझना है तो कहां से मदद लें वो? देखिए, ऐसा है, पूरा सिलेबस उसको कवर करने की जरूरत ही नहीं है। उसने जिस सब्जेक्ट में एमएससी की है उसको तो बहुत अच्छी तरह पढ़े, और वो तो उसने क्योंकि 2 साल पढ़ा है तो वो उसकी कम तैयारी से वो टॉपिक्स तो कवर हो ही जाएंगे। फिर बाकी टॉपिक्स में देखे किस में वो कम समय में उनको कवर कर सकता है, प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, उनको अटेम्प्ट करे। देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण के साथ इसको समझाना चाहूंगी। जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिसेप्शन पार्टी में, इतनी सारी डिशेज वहां लगी होती हैं, वो इसलिए नहीं कि आप सारी की सारी डिशेज खाएंगे जी, या खाइए तो फिर गड़बड़ भी हो जाएगा, सब खा लेंगे। इसीलिए ये पूरा सिलेबस जो है ये ऐसा, इसका ये मतलब नहीं कि सबका सब आपको पढ़ना, कम पढ़े, ढंग से पढ़े और फिर कॉन्फिडेंटली इसको आंसर कर जी। तो सबका सब करने की जरूरत नहीं है, 80% सिलेबस आप कर लेते हैं तो अगर आपकी वो कैपेसिटी है आप कर सकते हैं, देन नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी, तो डिसाइड कर लें कि इतना सिलेबस है ये मुझे कवर करना है, और उसको आप थोरोली कवर करें, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, रादर देन कि आप पूरा का पूरा पढ़ते चले जाएं तो नुकसान हो सकता है। हालांकि अटेम्प्ट्स बहुत मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में करें, सेकंड अटेम्प्ट में करें, तो एक अलग चार्म रहता है उसका, तो उसको भी क्या ध्यान में रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हैं, दिल्ली से अंजना है हमारे साथ, स्वागत है अंजना, क्या सवाल है आपका? मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि जीआरएफ के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, इतने कम समय होता है हमारे पास उसके लिए। समय का सबको अभाव रहता है, घंटे 24 ही है, वो बढ़ते नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट टाइम का कैसे करें मैम? देखिए, आप ऐसा करिए,
अपने टाइम को आप पूरे दिन के शेड्यूल को आप डिवाइड कर लीजिए, जिस वक्त आपका माइंड फ्रेश है उस समय आप पर्टिकुलरली टफ टॉपिक्स को चूज करिए जिनको समझने में आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है जी। फिर जब आप थोड़ा थक जाते हैं तो टॉपिक चेंज कर लीजिए और कोई हल्का सा टॉपिक ले लीजिए, और फिर थोड़ा सा फिर आप ब्रेक लेके कुछ क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम तो आपको अपने आप ही, पूरे दिन का आपका क्या शेड्यूल रहता है अपने कंफर्टेबली आप इसको डिवाइड करिए, कोई मुश्किल नहीं है ये एग्जाम को क्वालिफाई। हम रुक करते हैं अपने कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा का, जिसमें हम बात कर रहे हैं नेट और जेआरएफ की, जिसमें अगर आप टीचिंग को अपना प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, खासतौर से कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब पोस्ट के लिए नेट जो है वो आज की डिमांड है। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गई हैं इस बीच, ममता हैं दिल्ली से, स्वागत है ममता जी, सवाल पूछ लें अपना। मैं ममता बोल रही हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि नेट और जीआरएफ के लिए जो पहला पेपर होता है वो कॉमन होता है मैम, तो उसके लिए आप मुझे कोई स्पेसिफिक बुक बता सकती है जिससे मेरी तैयारी अच्छी हो जाए और मैं अच्छी प्रिपरेशन कर लूँ उसके लिए? ओके, देखिए स्पेसिफिक बुक तो कोई एक बुक नहीं होगी, क्योंकि उसमें अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो अच्छा तो ये होगा कि आप उन्हीं टॉपिक्स को एनसीईआरटी की बुक्स से आप देखें। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक्स ही हैं एक तरीके से, हम कह सकते हैं कि वो एकदम बेस है, एनसीईआरटी को आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। राहुल एक और दर्शक नोएडा से जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है राहुल, सवाल पूछ लीजिए अपना। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो यूजीसी नेट था वो जुलाई 2000 लास्ट ईयर क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद मेरे को जेआरएफ दोनों मैंने दिया था कंडेम, जेआरएफ नहीं हो पाया था, फिर मैंने दिसंबर वाला दिया तब भी जेआरएफ नहीं हो पाया था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ऐसी प्रिपरेशन करो जिससे मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाए, बिकॉज मेरे को पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो रिसर्च स्कॉलर के लिए। देखिए आपने नेट क्लियर कर लिया, आप बता रहे हैं आपने नेट कर लिया है, तो आपने कितने क्वेश्चंस किए थे जिसकी वजह से आप नेट कर पाए, अब कितना 60% आप क्वेश्चंस कर पाते हैं तो आपको जीआरएफ मिल जाएगा, सॉरी 60% अगर आपके मार्क्स आते हैं, आउट ऑफ 200 अगर आपके 120 मार्क्स आ जाते हैं, वैसे तो 112, 114, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड अगर 120 आ जाते हैं तो आप उतना टारगेट रखिए, आप कोशिश करिए सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उन पे फोकस करिए तो आपका जीआरएफ इजीली निकल जाएगा, एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो अगर वहां से भी अगर आप 5 क्वेश्चन कर पाते हैं तो आपके सीधे सीधे 20 मार्क्स बन जाते हैं। ओके, कुछ लोगों को लगता है शायद कि मतलब जो कॉमन एक फेनोमेना होगा, ऑब्वियसली जो इस चीज को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं वो क्लियर रहते हैं, उनको मालूम होता है, वो रिसर्च करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, लेकिन बहुत लोगों के मन में शायद ये भी हो कि नेट क्लियर खाली करना होता है और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप जेआरएफ नेट क्लियर करना तो पहला स्टेप है, इसके बाद आप जिस भी इंस्टीट्यूट में फर्दर एनरोल कराएंगे पीएचडी के लिए तो फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, वो एंट्रेंस भी लगभग इसी लेवल का होता है, उसको आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, उसको क्लियर कर लेते हैं तब आप जाके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एनरोल कर पाते हैं, ये मैं अच्छी इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता रही हूँ जी। अलावा उसके जब पढ़ाई कर रहे हैं तो किन चीजों का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिस जो है वो कई बार, जैसे आपने कहा कि बीते 5 साल के एग्जाम्स जो हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करें, अलावा उसके और क्या क्या शामिल करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग जो है वो एक अलग तरह का इशू है, एनालिटिकल अप्रोच आपकी कैसी है वो एक अलग तरह का इशू हो जाता है, उन सबको कैसे क्लियर करें ये जवाब लूं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर, सवाल पूछ लें। मैम मैं 2-3 सालों से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो और एक जैसे नोट्स बनाते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर करेंगे कि मैं वो पढ़ूँ? आपका एमएससी किस स्ट्रीम से है? हेलो, आपका सब्जेक्ट क्या रहा है एमएससी में? वो हमारे साथ है नहीं। अच्छा, देखिए कोई बात नहीं, आप जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी ये है कि आप कम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उन्हें बढ़ाइए और सेक्शन सी पर फोकस करिए। अक्सर ऐसा होता है बच्चे सेक्शन सी से घबराते हैं, क्वेश्चंस उसके थोड़े टिपिकल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और अंटिल अनलेस बच्चे की पकड़ नहीं है सब्जेक्ट पे वो कर नहीं पाएगा, तो ये सेक्शन सी का एक खास रोल रहता है इस पेपर को क्लियर कराने। अपने कंसेप्ट आप क्लियर करिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, और जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है उन पॉइंट्स को नोट करें,
फिर अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स आप रेफर करें, स्टैंडर्ड बुक्स मतलब स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर बुक्स खास तौर से साइंस के लिए। जी जी, तो दर्शकों के मन में ये ज्यादा ख्याल रहता है कि कौन सी ऐसी बुक हो जिसको बस पढ़ लें तो सब कुछ हो जाए, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और एनसीईआरटी को लेकर लगातार जोर दिया जाता है सभी जानकारों की तरफ से। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको थोरली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और अलावा इसके जो भी सिलेबस है उसकी जानकारी लेकर और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें तो निश्चित है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। डॉक्टर पूनम, आप आई हमारे स्टूडियो में, आपने जवाब दिया हमारे दर्शकों के और जानकारियां साझा की, बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल के लिए आज सक्सेस मंत्रा में इतना ही। नमस्कार।